आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का इधर कहना है कि यहाँ की जनता ने अखिलेश यादव को सम्मान दिया, मुझे भी जनता से सम्मान मिलेगा। और वहीं अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने पर उन्होंने कहा कि जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है। आजमगढ़ सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, क्या मुद्दे देख पाए आप आजमगढ़ में जिनको लेकर के आप जनता के बीच में गए और धरातल में क्या स्थिति आज चुनाव का देखें? जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, ये आजमगढ़ मेरे परिवार के लिए घर की तरह रहा। हमेशा लोगों ने स्नेह दिया, नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय जी को सम्मान दिया, मुझे भी बहुत प्यार मिला और मैं उम्मीद करता हूँ अपने इस परिवार के बीच आज हमारा बेहतर से बेहतर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा और नेताजी का सम्मान बढ़ेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान बढ़ेगा, उनके नेतृत्व को लोग और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से जब से समाजवादी की सरकार गई और योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार में आए तब से पूरी तरह से उपेक्षित है। जो विकास योजना माननीय अखिलेश जी के समय शुरू हुई थी उन योजनाओं को भी ठप कर दिया गया और आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि कौन ने क्या किया है और आजमगढ़ के लोगों के दिलों में ये बात है कि आजमगढ़ की तरक्की और विकास केवल समाजवादियों ने किया है और विकास तरक्की रिश्तों की जज्बातों की भावनाओं की सभी चीज़ों का लोग ख्याल रखते हुए मुझे यकीन है कि मौका मुझे मिलेगा। अब कह रहे समाजवादी पार्टी सरकार में आजमगढ़ का बहुत विकास हुआ, कई विकास योजनाएं आपने गिनाई भी, क्या यही वजह थी कि अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं आए? ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें आजमगढ़ के अपने लोगों पे यकीन है और यकीन कोई एक दिन का नहीं है, अब तो यकीन पीढ़ियों बदल चुका है। मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है आजमगढ़ में और कहा जाता है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज है। इसके अलावा उलेमा काउंसिल ने भी जो समर्थन के लिए पत्र लिखा, आपकी जानकारी में होगा, AIMIM ने भी कहा है कि गुड्डू जमाली को सपोर्ट करें, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि फाइट बहुत टफ हो गई है, ट्रायंगुलर फाइट कह सकते हैं इसे? देखिए, अब जितने एंगल उम्मीदवार के उतने, जितने उम्मीदवार हो 13 उम्मीदवार हैं, उस 13 एंगल की फाइट हो, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कहता, बट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आजमगढ़ का जनमानस है, आजमगढ़ में जाति धर्म मजहब हर चीज़ से ऊपर उठ के लोगों ने पार्टी को सम्मान दिया है, हमारे लीडरशिप को सम्मान दिया है और उसी लीडरशिप के चेहरे पर, उसी पार्टी के सिद्धांतों पर मैं आजमगढ़ की जनता के बीच में हूँ, जनता की अदालत में हूँ और हमें यकीन है कि जनता की अदालत से फैसला हमेशा समाजवादी के पक्ष में आया है और फिर आएगा। बाकी किस किस के क्या आरोप, किसका जवाब दिया जाए, जवाब देने योगी इन पर आरोप नहीं है करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आजमगढ़ की जनता के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है, इस शहर के लिए काम हुआ है, निश्चित रूप से उनको विजय श्री दिलाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।